अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के DB चंचौरा। एक बाजार है, छोटा सा बाजार है, लेकिन यहाँ पर जो लोगों की मार्केटिंग करने की जो व्यवस्था दी गई है वो काफ़ी सुविधाजनक है। और यहाँ पे आपको बता दें कि आस पड़ोस में कई गांव हैं और यहाँ से सीधे आप देखेंगे तो इस बॉर्डर से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो छपरा जिले में क्रॉस कर जाएंगे। और देखिए मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, आपको बता दें कि 6 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों के द्वारा एक स्वर्ण व्यवसायी के दुकान में 5 से 6 लाख रुपए की लूट कर ली गई है। और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे लोग सड़क जाम करके प्रशासन से जो है कि न्याय की मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या कुछ घटना हुई थी विस्तार में बताइए। तो यहाँ पे 6 लोग आए, ठीक है ना, अपाची गाड़ी थे 2 और उसके दुकान में चले गए और जाके लूटने लगे और बमबाजी किए। पिस्टल क्या था, पिस्टल था, सिक्सर था, ठीक है ना, गोली भी चलाए वो लोग, ठीक है, लोग हल्ला किया तो उसके बाद वो बम मारना चालू कर दिए वो लोग। कई को बम यहाँ बाजार में फोड़ा गया है, हम सब 15-20 को बम फोड़ा गया है। अच्छा, 15-20 बम फोड़ा गया है, तो बम फोड़ने के बाद तो काफी हड़कम मच गया होगा लोगों में। पूरा भगदड़ पूरा मच गया था। अच्छा, 3-4 बम वहाँ झोले में है क्या, झोला में जो दिख रहा क्या है वो? अब तो हम तो देखे नहीं है, बम है, बम क्या बाबू? एगो है। क्या है उसमें? बम है। और देखिए एक नौजवान है, यहाँ से बताइए तो क्या है वो? देखिए उसमें साल और एक बम भी है, अभी छोड़ के भागा है, सब नया नया झोला भी है, एक कांटा लिया था हाथ में और एक इधर से बम बिगड़ रहा था, एक उधर बम बिगड़ रहा था, वहाँ चोरी हो रहा था और इधर के लोग इधर थे, इधर के लोग इधर, बाद में हम लोग उधर से आए, लोग चहेट करता भागा वो सब, फिर वहाँ पे पकड़ने के बाद एक आदमी पकड़ा तो उनके देह पर बिक दिया बम, तो फिर उनको छोड़ दिया गया। यानी एक आदमी पकड़ लिया था अपराधी सबको? अपराधी को पकड़ लिए थे लेकिन उनके शरीर पर बम बिक दिया सब वो लोग, फिर तो लेकर भागे सब। तो कैसे हैं जिनके ऊपर बम गिरा वो, ठीक हैं? हाँ, फिलहाल तो अभी ठीक हैं। हमारा गुजारिश यही है कि सिवान जिला और छपरा जिला बॉर्डर पड़ता है तो यहाँ चौकी बैठाना चाहिए। प्रशासन क्या कर रही है, सो रही है कुछ? अच्छा, कर जब ये घटना जब हो रही थी तो आप लोग यहाँ से सामने खड़े होकर देख रहे थे या फिर उसका विरोध कर रहे थे? विरोध हम लोग उधर से दौड़ के आए तभी ना विरोध होना, तो कोई नहीं था, सब अपने उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कोई नहीं था, हम लोग उधर से दौड़ के आए, ठीक है, डर के मेरे लोग भाग रहे थे, चला रहे थे ना वो लोग, गोली चीज इतना मार रहे थे, डर के मेरे दहशत हो गया, लोग भागने लगे। अच्छा, आए दिन इस तरह की घटना इस बाजार में सुनने को मिलता है, आज फिर हो गया एक बड़ी घटना, आप लोग अंदर कैसा माहौल हो गया है इस तरह को लेकर? दहशत है पूरा, हर एक प्रशासन के तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिलता है, कुछ कार्रवाई होती है? प्रशासन तो कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है अभी फिलहाल, एक बच्चे को बहुत देर लग गया था, जब तक प्रशासन आती वो तब वो सब चला गया था, जब तक प्रशासन यहाँ आती, सिवान जिला हो या छपरा जिला, जो भी प्रशासन है ना वो सब चला गया था, बाद में आने के बाद वहाँ बम तो फूटता नहीं, जब तक उसको फोड़ेगा फूटेगा नहीं, अब प्रशासन आई और साइड हटाने लगी, क्या उससे बम फूट जाएगा? नहीं फूटेगा, प्रशासन तो अपने डर रही है, बम छूने के लिए डर रही है बस, कि जबकि दुनावदा थाना ही ना तो लास्ट से उसको टच भी किया, छपरा जिला वाला कोई ना कुछ किया। तो देखिए यहाँ पर ये चौकी बैठा है, यहाँ पे साला चौकी बैठा है, यहाँ पे साला बॉर्डर पड़ता है छपरा जिला और सिवान जिला का। तो देखिए यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी भी नाराजगी देखी जा रही है और तमाम तरह के प्रशासन के खिलाफ भी लोगों की नाराजगी है कि यहाँ पर चौकी के लोग मांग कर रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि लगातार आए दिन यहाँ पर छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, हालांकि प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बगल में ही सटे छपरा जिला का बॉर्डर है, उसके आप आगे बढ़ेंगे तो सिवान जिला का बॉर्डर आ जाएगा, तो इस पर प्रशासन को विशेष नज़र रखनी होगी। हालांकि इस पर देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है और अपराधियों के जो ये हौसले मनोबल जो लगातार दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन रितेश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौंदा। क्या क्या सामान लूट के ले गया सर? सोना का सामान था, कितने का होगा आभूषण सब आपका? कैमरे में भी सीसीटीवी में गोली मार दिया है। गोली नहीं मारा, मार के फोड़ दिया। कई के संख्या में लोग थे? 3-4 भीतर था, उस लोग बाहर थे। अच्छा, आपके ऊपर हथियार भी आया था सर? हथियार भी आया था, बम गोली भी चलाया है, बम गोली भी चलाया है। नाम बताइए तो अपना। शिव कुमार साहब।